डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, फीडबैक एम्पलीफायर के इस सीरीज में आपको फिर से स्वागत है। और आज का हमारा करंट चैप्टर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक टॉपोलॉजी। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस वेरी वंडरफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग चैप्टर है जिसको लेके बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। एग्जाम्स में कॉम्प्लिकेटेड टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इसके ऊपर, हालांकि कोई कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। यहाँ पे जो फंडामेंटल और रूडिमेंट्री कॉन्सेप्ट पे जितना हम समय और जितना अपना अटेंशन दे देंगे, उसके बाद कितना भी एग्जामिनर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करे, कन्फ्यूज करने की कोशिश करे, हम होंगे नहीं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आज की क्लास के लिए अटर अटेंशन दीजिए और अपने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, इन सारी बातों को रिकॉल करिए। आपके सारी यही फंडामेंटल नॉलेज का और आपके विजडम का यहाँ यूज होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक टॉपोलॉजी। तो बिफोर एक्चुअली मैं जो टॉपोलॉजी का कनेक्शन देने दिखाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं रिकॉल करना चाहूँगा, पैरेलल और सीरीज कनेक्शन को रिकॉल करते हुए हम शुरू करेंगे, तो ताकि जितना हम रूट के साथ पकड़ बनाएंगे उतना अच्छा हमारा आगे की बातें क्लियर होंगी। तो देखिए, एक चीज़ है, एक वर्ड है, मैं लिखने जा रहा हूँ वोल्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। एक वर्ड है वोल्टेज सैम्पलिंग, इसका क्या मतलब है, ठीक है, समझिए। बेसिकली कहीं पे अवेलेबल है वोल्टेज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मेरे पास एक ये डायग्राम है, ठीक, ये कोई वोल्टेज का सोर्स है, सिंपली समझ लीजिए ये एक वोल्टेज का सोर्स है, लिख देता हूँ आपके लिए समझने के लिए बस। और यहाँ से आप उस वोल्टेज को ले सकते हो, आप यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, लेट मी टेक डिफरेंट कलर, आप यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट कर दोगे सिंपली, तो जो वोल्टेज ये दे रहा, सपोज ये वी आउट, वी ओ का एक सोर्स है, मतलब V0 वोल्टेज का सोर्स है, तो ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ले लेगा, V0 वोल्टेज ले लेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कनेक्शन दे के एक और मैं रेजिस्टेंस पे सेम वोल्टेज अवेलेबल कराना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं ऐसे लिया ठीक है, इसके बीच में एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो इस रेजिस्टेंस को भी सेम वोल्टेज मिलेगा V0, क्योंकि मैंने इसी पॉइंट से कनेक्शन दे दिया है और ये एक तरह से पैरेलल कनेक्शन है, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा, बट जो फेयर डायग्राम और जो ज़्यादा डिसिप्लिन वाला डायग्राम बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। डायग्रामेटिक फोबिया भी बच्चों को होती है कि डायग्राम कैसे कैसे बना रहे लोग, तो मैं चाहता हूँ डायग्राम से भी आप काफ़ी क्लियर हो जाइए, ठीक है, फैमिलियर हो जाइए। एक कनेक्शन मैं ऐसे लूँगा और इसके ऊपर ऐसे जंपर लगा दूंगा, मतलब ये इसको टच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है, और ये दे दूंगा और ये मेरा हो गया, यहाँ से मैं कुछ कनेक्ट कर दूंगा तो उतना ही वोल्ट मेरा यहाँ पे मिल जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली पैरेलल कनेक्शन, और इसी को कहते हैं वोल्टेज की सैम्पलिंग करना, यानी कि इस आउटपुट लीड पे, इस आउटपुट एंड पे, इस आउटपुट टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज अवेलेबल था, कितना वोल्टेज, वीओ अवेलेबल था, उसको मैं दूसरे तरफ लेना चाहता हूँ, तो वही सेम वोल्टेज, इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मैंने इधर लेने की कोशिश की, इसको वोल्टेज की सैम्पलिंग कहते हैं, राइट। और वोल्टेज की सैम्पलिंग करने के लिए मैं जो कनेक्शन मेथड यूज किया हूँ सिंपली पैरेलल कनेक्शन है। हम जानते हैं कि इस साइड में ऐसे लिया और उसी पॉइंट से फिर मैंने इधर भी ले लिया, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस किया, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए ऐसे दिखाया जाता है कि मान लो ये मेरा एक पोटेंशियल का सोर्स है, तो यहाँ से ऐसे गया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगाया, इसी पोटेंशियल सोर्स से दूसरा रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा दिया, इसी रेजिस्टेंस के सोर्स में तीसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, सारे पैरेलल में, कैसे भी मैं इस डायग्राम को बनाऊँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन मेथोडोलॉजी कि मैं किस तरह से कनेक्शंस दे रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड पैरेलल कनेक्शन। तो वोल्टेज की जो कलेक्शन करना होगा, वोल्टेज को आप लेना चाहते हो, उसको वोल्टेज की सैम्पलिंग करना कहते हैं। और ये वोल्टेज की जो सैम्पलिंग है वो कैसे की जाती है, तो कनेक्शन मेरा होता है पैरेलल। हम लोग बचपन से जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इसीलिए मैं इस वर्ड से आपको यहाँ पे फैमिलराइज कराना चाहता हूँ कि वोल्टेज सैम्पलिंग जो होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है, ठीक है। वोल्टेज की जो सैम्पलिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है, यानी किसी सोर्स से आप वोल्टेज लेना चाहते हो, एक यहाँ लेना चाहते हो, इधर लेना चाहते हो, जहाँ भी लेना चाहते हो, सारे जितने भी एलिमेंट्स में आप वो वोल्टेज लेना चाहते हो, सारे वोल्टेजेस को, सॉरी, सारे एलिमेंट्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करने पड़ेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए इस बात को कि एक सोर्स है और यहाँ से आपने ये वोल्टेज लेना है, ठीक है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वही वोल्टेज मिलेगा, इन दोनों के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस लगाया, वो भी उतना ही वोल्टेज लगा, इनको इसको भी उसी, मतलब ये टर्मिनल आपका ए है और ये टर्मिनल आपका बी है, तो ए के बीच, ए और बी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सब आपस में क्या होंगे,
पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं, और ये R1 है सपोज, ये R2 है सपोज, ये R3 है सपोज, ये R4 है सपोज, तो जितना वोल्टेज आप R1 को दे रहे हो उतना ही वोल्टेज R2 को भी सैंपल कर रहे हो, उतना ही वोल्टेज R3 को भी सैंपल कर रहे हो, उतना ही वोल्टेज R4 को भी सैंपल कर रहे हो. सो दिस इज नथिंग बट योर वोल्टेज सैंपलिंग. इसको कहते हैं वोल्टेज की सैंपलिंग करना. एंड वोल्टेज की सैंपलिंग कैसे हो रही है? पैरेलल में हो रही है. तो ये आप सोच रहे हो कि बात को सर रिपीट क्यों कर रहे हो, बाद में यही चीज़ आप कन्फ्यूज होने लगेंगे. सो गिव योर अटेंशन एंड योर पॉसिबल टाइम हेयर, कि जो आप टाइम दे सके यहाँ दे दीजिए, बाद में कन्फ्यूजन नहीं होना है. तो वोल्टेज की सैम्पलिंग हमेशा पैरेलल में की जाती है. ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट की सैम्पलिंग. ठीक है, करंट की सैम्पलिंग कैसे करेंगे. तो अगला है करंट की सैम्पलिंग, करंट सैम्पलिंग. अब करंट की सैम्पलिंग करनी है, सेम उसी तरह से समझिए, यह आपका कोई सोर्स है जो आपको आउटपुट में कुछ करंट देने जा रहा है. ठीक है, सपोज आई नोट करंट ये देगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आई नोट करंट मिलेगा. यानी कि मैं अगर कहूँ कि इस रेजिस्टेंस को मैं ऐसे कनेक्ट कर दूँ, तो ऐसे करके फ्लो करके जो करंट जाएगा, यानी कि ऐसे करके यहाँ से जो करंट गुजरेगा, ठीक है, वो आई नोट करंट होगा. यानी इस रेजिस्टर से गुजरने वाला करंट आई नोट है. अब चाहते हो कि एक और रेजिस्टेंस में लगा दूँ, मेरा इंटरेस्ट का एक रेजिस्टेंस इसमें ऐसे कनेक्ट कर दूँ कि उस रेजिस्टेंस से भी आई नोट करंट गुजरे, तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, कुछ मेरे को डिलीट करने पड़ेंगे यहाँ पे, मैं रीड्रॉ करने वाला हूँ चीज़ों को. मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इसमें ड्रॉ कर पाऊँ, तो मैं थोड़ा इरेज करूँगा. तो डोंट कैन कन्फ्यूज कि सर ने थोड़ा इरेज क्यों कर दिया. तो मैं क्या करूँगा, देखिएगा, सेम ड्राइंग को फिर से बनाऊँगा. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैं यहाँ से वो कनेक्शन दिया, जो रेजिस्टेंस मेरा लगा था वो दे दिया. अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, सपोज ये रेजिस्टेंस है कुछ आर एडेस्ट, ठीक है, ये है आर, और आर डेस्ट को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ इससे भी कौन सा करंट गुजरे, आई नोट ही गुजरे, जो करंट यहाँ से गुजर रहा आई नोट. तो ऑब्वियसली इसको यहाँ लेके आऊँगा, इसको यहाँ लेके आऊँगा, और इसके बीच में इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा. ये मेरा इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है, तो इससे भी सेम करंट होके गुजरेगा ऑब्वियसली. बहुत सिंपल बात है ये. यानी कि इस जो रेजिस्टेंस अभी अभी मैंने लगाया ताज़ा ताज़ा, ये कैसे किया है इसके साथ कनेक्शन, ये सीरीज का कनेक्शन है ना. जो पहले से रेजिस्टेंस था उसके रेस्पेक्ट में सीरीज में है. तो करंट की सैंपलिंग अगर मुझे करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज का कनेक्शन देना पड़ेगा. ठीक है, ये मुझे समझ लेना था. करंट की सैंपलिंग ये बेसिकली आउटपुट का मेरा एंड है. यहां से जो करंट निकल रहा था वही करंट में चाहता था इसे गुजरे, तो मुझे सीरीज में कनेक्शन देना पड़ेगा. ये रट लीजिए आप अगर नहीं समझ में आ रहा, तो क्योंकि डोंट गेट कंफ्यूज. सिंपल है, अगर आपको वोल्टेज की सैंपलिंग करनी है, मतलब वोल्टेज लेना है, वोल्टेज आप प्राप्त करना चाहते हो, लेना चाहते हो, सैंपलिंग का मतलब टेक, लेना चाहते हो सिंपली, तो आपको पैरेलल में कनेक्शन देना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने इंटरेस्ट रेजिस्टेंस को दिया है पैरेलल कनेक्शन. और आप अगर करंट की सैंपलिंग कराना चाहते हो, यानी करंट लेना चाहते हो, टेक करंट लेना चाहते हो, सैंपलिंग करना मतलब टेक, तो आपको जहाँ पे वो करंट लेना चाहते हो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में. तो सीरीज में कनेक्शन कैसे किया, सिंपल से देखिए, आई नोट करंट में लेना चाहता था, ये रेजिस्टेंस पहले से लगा था, इस दो पॉइंट को ओपन किया और यहाँ पे मैंने वो कनेक्शन दिया. जो भी मेरे को यहाँ पे कनेक्शन दूंगा, यहाँ पे जो कनेक्शन दे दूंगा वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ पे मेरी करंट की सैम्पलिंग हो जाएगी. सो हाउ माई वोल्टेज सैम्पलिंग इज अकॉम्प्लिस्ड एंड हाउ माई करंट सैम्पलिंग इज अकॉम्प्लिस्ड, ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखिए, इसको समराइज भी करूंगा मैं, बट पहले ये थ्योरी समझ लीजिए. अब देखिए, सारी बातें आप जानते हैं, बट एक तरीका है इसको दोबारा समझने का. अब देखिए, वोल्टेज को मैं मिक्स करना चाहता हूँ, करंट को मैं मिक्स करना चाहता हूँ. अब मिक्सिंग का क्या मतलब है, आप जानते हैं, वोल्टेज मिक्सिंग. मिक्सिंग का मतलब एक मिक्सर होगा, इधर से कुछ चीज़ आएगा, इधर से कुछ चीज़ आएगा, दोनों का आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का मिक्सर बन के निकलेगा. यानी बेसिकली आप उनका समेशन कर रहे हो, समेशन. अच्छा, एक बात अगर बच्चे कन्फ्यूज ना हो जाए इसलिए बता दूँ, समेशन का दोनों मतलब हो सकता है. अगर पॉजिटिव फीडबैक मतलब इन फेज अगर आप दे रहे हो चीज़ों को, तो ऐड कर देगा वो समेशन करते समय, और अगर आप उसको आउट ऑफ फेज दे रहे हो तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकाल देगा. ऐसा नहीं है कि जोड़ेगा ही वो, है ना. ऑब्वियसली ए है और ए है तो दोनों को जोड़ दिया, या बी ले लेते हैं, और ए है और माइनस बी है तो क्या करेगा, माइनस बी के साथ इसको जोड़ेगा, आउट ऑफ फेज है तो, यानी कि ए माइनस बी कर देगा. तो नेवर गेट कन्फ्यूज, छोटी छोटी बातों से कन्फ्यूज नहीं होना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स के आप लोग अच्छे स्टूडेंट्स हो. तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, दोनों समेशन ही होता है, बट एक एडिशन, एक इन फेज हो रहा है, एक आउट ऑफ फेज हो रहा है. तो वोल्टेज मिक्सिंग का सिंपल मतलब है, जिस तरह से मैं सैम्पलिंग का मतलब बताया टेक, उसी तरह से मिक्सिंग का मतलब
गिव करना, यानी कि मैं किसी एंड पे दे रहा हूँ उस चीज़ को, मिक्स कर रहा हूँ, दे रहा हूँ उस चीज़ को वहाँ पे। इन फेज भी दे सकता हूँ, आउट ऑफ फेज भी दे सकता हूँ। मिक्सिंग का मतलब गिविंग, मैं उस एंड पे मिक्स कर रहा हूँ, सपोज इस एंड पे मैं मिक्स कर रहा हूँ, मतलब मिक्स, सॉरी मिक्स मतलब मैं दे रहा हूँ, है ना, वहाँ पे मैं वो चीज़ दे रहा हूँ, तो मिक्सिंग का मतलब ये हुआ। तो वोल्टेज मिक्सिंग अगर आप करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, देखिए नॉर्मली इनपुट एंड में मिक्सिंग की जाती है, तो इनपुट एंड जैसे मान लीजिए आपका ये आपका इनपुट एंड है, ठीक है, आउटपुट एंड में बना नहीं रहा हूँ, सपोज ये कुछ डिवाइस है जिसका इनपुट एंड में वी इन आ रहा है, इधर से आ रहा है, अब कहीं से ला के आप इसको देना चाहते हो, मिक्सिंग करना चाहते हो, फीडबैक वाला रिमेंबर करिए, फीडबैक में हम क्या करते हैं, देते ही तो हैं, तो मिक्सिंग करना चाहते हो, यानी कि यहाँ पे आप वोल्टेज ऐड करना चाहते हो, वोल्टेज ऐड करना चाहते हो, वोल्टेज मिक्स करना चाहते हो, वोल्टेज ऐड करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वोल्टेज की जो मिक्सिंग है, आप अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आया तो एक बहुत क्रूड एग्जांपल से समझिए इस बात को, लेट मी टेक दिस कलर, क्रूड एग्जांपल को समझिए, देखिए सपोज आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आप इसको एक पोटेंशियल आपने दिया माइनस प्लस, तो इसमें करंट फ्लो होगा, कुछ करंट फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस आ रहा है, आप चाहते हो कि ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा हो, तो और एक बैटरी कनेक्ट करना चाहते हो, और पोटेंशियल देना चाहते हो, तो एक और पोटेंशियल आप दोगे, एक और देना चाहते हो, इस तरह से दोगे ना, तो ये अब दोगे तो इसका V1 अगर पोटेंशियल होगा, इसका V2 वोल्टेज होगा, इसका V3 होगा, तो टोटल जो इसको मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से यहाँ के बीच इसका टोटल जो वोल्टेज हो जाएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 सारा ऐड हो जाएगा, अगर बैटरी उल्टा लगाया तो माइनस हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बट इस तरीके से कनेक्शन तो आपको देना पड़ेगा, दिस कनेक्शन हैज़ टू बी डन इन ऑर्डर टू मिक्स दिस वोल्टेजेस, इन सारे वोल्टेजेस को मिक्सिंग करनी है, मतलब ऐड करना है, सारे को जोड़ना है, सारे का कुमुलेटिव इफेक्ट देखना है, सारे का अगर आपको एडिटिव रिजल्ट देखना है, सबको ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कनेक्शन देना पड़ेगा, दिस इज विच टाइप ऑफ कनेक्शन, दिस इज सीरीज कनेक्शन, यानी कि अगर वोल्टेज की मिक्सिंग करना चाहते हैं आप, वोल्टेज की मिक्सिंग करना चाहते हो तो सीरीज का कनेक्शन देना पड़ेगा, सीरीज का कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, सीरीज का कनेक्शन, यानी कि सीरीज का कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पे मैं कट लगाऊंगा, सीरीज कनेक्शन हमने यहाँ देखा था कैसे किया था, यहाँ पे कुछ कट किया था, इस तरह से अगर लाइनें हैं तो इन दोनों के बीच में ऐसे ऐड कर दूंगा, यहाँ पे कुछ जोड़ दूंगा तो सीरीज कनेक्शन कहलाएगा, तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पे कैसे दिया जाएगा देख लीजिए, सीरीज का जो कनेक्शन होगा, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ बिकॉज रीड्रॉइंग मुझे करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया इसको मैं थोड़ा एलोंगेट किया, इसको एलोंगेट किया, इसको इसको ऐसे किया, और ये जो यहाँ पे जो वोल्टेज, जो भी यहाँ से वोल्टेज आएगा, अब जो भी वोल्टेज आएगा, चाहे जो भी चीज़ें आएंगी, करंट आए, ठीक है, जो भी ऑब्वियसली वोल्टेज आएगा, वो वोल्टेज यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, मिक्स होने वाला है आगे जाके, मिक्सिंग का मतलब फेज में होगा तो जोड़ देगा और अगर आउट ऑफ फेज होगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर अस, बट मिक्सिंग होने वाली है, और ये कनेक्शन मेरा सीरीज कनेक्शन है, ये मेरा सीरीज कनेक्शन है, तो वोल्टेज की मिक्सिंग मेरे कैसी हो रही है, सीरीज के कनेक्शन देने से हो रही है, वोल्टेज की मिक्सिंग मेरी कैसे हो रही है, सीरीज के कनेक्शन से हो रही है, सीरीज कनेक्शन, ये आप समझ लीजिए फिलहाल, वोल्टेज की मिक्सिंग अगर करनी है तो सीरीज कनेक्टिंग, सीरीज कनेक्शन मुझे लिखना चाहिए, सीरीज कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सीरीज का कनेक्शन, मैं टाइम काफ़ी दे रहा हूँ क्योंकि सारा टाइम यही देना हमको, आगे जाके बिल्कुल आसान लगेगा और याद भी हो जाएगा, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। अब मैं करना चाहता हूँ करंट की मिक्सिंग, तो क्या करूँगा देखिएगा, करंट की मिक्सिंग अगर मुझे करनी है तो, करंट की मिक्सिंग अगर मुझे करनी है तो ऑब्वियसली ये मेरा ब्लॉक डायग्राम फिर से देख लीजिए, और यहाँ पे मेरा इस साइड में इनपुट है और यहाँ पे कुछ आई करंट मेरा, आई नोट करंट मेरा फ्लो के जाने वाला है, ठीक, तो इसी में मैं कुछ करंट की मिक्सिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए ये समझिए एग्जांपल कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है और इससे आप कुछ करंट फ्लो कराना चाहते हो, तो एक करंट का कोई सोर्स होगा जो यहाँ से कुछ सपोज I1 करंट फ्लो करेगा, जोड़ दिया आपने इसको, जोड़ दिया, ठीक है, ये एरो का साइन, ठीक है, इस तरह से करंट का सोर्स दिखाया जाता है, तो यहाँ से I1 करंट ही ऑब्वियसली फ्लो करेगा, I1 लगाया तो आपने, आप चाहते हैं कि इसमें और करंट ज़्यादा पड़े, I1 प्लस I2 आप करंट को बढ़ाना चाहते हो, तो एक और करंट का सोर्स इसमें जोड़ोगे इस तरह से, जिसकी वैल्यू होगी I2, अब क्या होगा, दोनों करंट जुड़ जाएंगे और यहाँ से जो करंट निकलेगा, मतलब यहाँ से आ रहा I1, यहाँ से निकल रहा I2, ठीक है, I1 I2 मतलब यहाँ से I2 यहाँ से I1 जो भी है, प्लस होकर के I1 प्लस I2 दोनों करंट ऐड होकर यहाँ से फ्लो होंगे, सिंपल। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आप करंट को मिक्स करना चाहते हो, दोनों करंट मिक्स हो गए, दोनों करंट ऐड हो गए, तो दोनों को कनेक्शन देखिए कैसे किया गया है, पैरेलल कनेक्शन दिया गया है। कोई कहता है कि सर मैं एक ऐसे करके करंट, एक ऐसे करके करंट सोर्स, एक ऐसे करके करंट सोर्स जोड़ दूंगा सर, तो ये अगर मेरा I1 होगा, ये मेरा I2 होगा और ये मेरा I3 होगा, तो मेरा जो रिजल्टेंट करंट यहाँ से गुजरेगा वो सर तीनों का एडिशन हो जाएगा, क्या ऐसा होगा,
तीनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करेगा तो क्या करंट बढ़ जाएगा, करंट ऐड होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट, आई होप आपको पता होगा ये गलत है। तो इसलिए मैं इस पर आपका अटेंशन लाना नहीं चाहता हूँ, जो करंट जो चीज़ गलत है, जो चीज़ सही है उस पर फोकस करिए। सिंपली कि इफ़ यू वॉन्ट टू मिक्सिंग ऑफ द करंट करना चाहते हो तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना होगा, पैरेलल कनेक्शन करना होगा, पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है, एक एंड को यहाँ लिया और दूसरा एंड को यहाँ लिया, यहाँ से जो भी आपका आई करंट जाएगा वो आगे जाके आई एफ फीडबैक वाला जो करंट आएगा वो आगे जाके आई नोट के साथ प्लस या आई एफ के माइनस जो भी है फेज और आउट ऑफ फेज के हिसाब से ऐड हो जाएगा। इसको मैं फिर से समराइज करूँगा, बट अभी फिलहाल फोकस करिए इन बातों पर। देखिए आप समरी समझिए, ठीक है, पर्पज़ क्या आपका? सी देखिए आप, सॉरी ये देखिएगा, समझिएगा इस बात को। आप सबसे पहले, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, सैम्पलिंग लिंक देता हूँ। आपको अगर सैम्पलिंग करना है और आपको अगर मिक्सिंग करना है, ठीक है, आपको अगर वोल्टेज सैम्पलिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा, वोल्टेज सैम्पलिंग करना होगा तो आपको पैरेलल कनेक्शन में अलग कलर ले देता हूँ, ठीक है। वोल्टेज सैम्पलिंग अगर करनी है तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस। वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है, वोल्टेज को सैम्पल करना चाहते हो, वोल्टेज को लेना चाहते हो तो आपको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। और वोल्टेज को अगर आप मिक्स करना चाहते हो, वोल्टेज को ले के ऐड करना चाहते हो, वोल्टेज का एडिशन तभी होगा जब आप सीरीज में कनेक्शन करोगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सिमिलरली अब ले लो करंट के बारे में कहानी। करंट के केस में अगर आप करंट को सैंपल करना चाहते हो, यानी करंट को लेना चाहते हो, करंट को कहीं से लेना चाहते हो, ठीक है, दूसरा करंट ले लेता हूँ, करंट को कहीं से लेना चाहते हो तो सीरीज में कनेक्ट करके आपको लेना पड़ेगा करंट। ऑब्वियसली यहाँ पे समझा दिया मैंने ऑलरेडी, करंट, सॉरी ये कहाँ पे थे हम, करंट की सैंपलिंग, करंट की सैंपलिंग यहाँ होगी। हाँ, करंट को सैंपल करना चाहते हो तो सीरीज कनेक्शन देना पड़ेगा, है ना। यहाँ से जो करंट निकला वहाँ से गुजरा, और चाहते हो कि आप आगे जाके फिर यहाँ से गुजर के जाए, तो वो करंट यहाँ से तब गुजरेगा ना जब सीरीज में कनेक्शन दोगे। दिस हैज़ टू बी सीरीज। तो करंट की जो सैंपलिंग होगी वो सिर्फ सीरीज में होगी, करंट की सैंपलिंग सीरीज में होगी, और आप उसी करंट को ऐड करना चाहते हो, सारे बहुत सारे करंट ऐसे ऐड करना चाहते हो, ये करंट, ये करंट, तो दोनों का पैरेलल में कनेक्ट किया तो दोनों आगे जाके ऐड हो जाते हैं, दोनों करंट ऐड हो जाते हैं, इधर से आने वाला करंट। ये सर केसीएल केवीएल आपको समझ में आता है तो बहुत कुछ सिंपल लग रहा होगा। ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे। सपोज यहाँ से आ रहा है 4 एम्पियर का करंट, यहाँ से आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, है ना। तो दोनों को अगर आप पैरेलल में लगाओगे तभी तो यहाँ से निकलेगा जो वो होगा 7 एम्पियर का करंट। तो दोनों को कैसे किया आपने, पैरेलल कनेक्शन किया। तो आप मिक्सिंग करना चाहते हो, करंट की मिक्सिंग करना चाहते हो तो आपको पैरेलल कनेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा। अब देखिए एक चीज़ आपको डायग्राम में समझा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए ये डायग्राम है आपका, आपको अगर आप देखिए पैरेलल और सीरीज खाली समझाने जा रहा हूँ। आउटपुट साइड में या इनपुट साइड दोनों ले लो आप, ठीक है, ये आउटपुट साइड ले लो, आपको बोला गया पैरेलल कनेक्शन देना है, यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन देना है, तो कैसे कनेक्शन दोगे? तो पैरेलल कनेक्शन देना होगा तो एक एंड यहाँ लिया, जंप कर दिया, और दूसरा एंड इससे, मतलब दोनों एंड से आपने लिया, और ये जो आपका कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन आपने किया ये सिंपली पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है। और उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दूसरा ले लो, ये आपने लिया, यहाँ से थोड़ा गैप किया और यहाँ से दोनों ले लिया कनेक्शन, ये जो कनेक्शन आपने लिया ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अब आप ठीक है पैरेलल है, नॉट पैरेलेट, दिस इज पैरेलल, ये जो मैंने टी जैसा कुछ लिख दिया है। तो पैरेलल कनेक्शन दिखता कैसा है ये भी मैंने समझा दिया आपको। पैरेलल कनेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, सीरीज कनेक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, वेदर इट इज एट द इनपुट साइड और एट द आउटपुट साइड डजंट नॉट मैटर, बट पैरेलल कनेक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस, सीरीज कनेक्शन विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ इफ यू वॉन्ट टू सैम्पल द वोल्टेज यू हैव टू डू द पैरेलल कनेक्शन, मस्ट माइंड इट। वाई नहीं समझ में आया, फिर से रेफर कर लेना आप इन बातों को, इन सारी कहानियाँ जो आपने देखी, ठीक है, ये बेसिक्स थे, ठीक है। और मिक्सिंग करना चाहते हो, ठीक है, अब देखिए वोल्टेज की सैम्पलिंग और मिक्सिंग, सैम्पलिंग और मिक्सिंग, इन दोनों बेसिस पे हमारे बहुत सारे क्या बनेंगे, टोपोलॉजी बनेंगे, कनेक्शन के कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। सैम्पलिंग नॉर्मली आपका आउटपुट साइड में होगा फीडबैक के केस में, और मिक्सिंग नॉर्मली इनपुट साइड में होगा। ऑब्वियसली आप फीडबैक करना चाहते हो, फीडबैक करना चाहते हो मतलब कि आउटपुट साइड से उस चीज़ को कलेक्ट करोगे, सैम्पल करोगे, लोगे, टेक करोगे, पहले लोगे ना, फिर उसको इनपुट साइड में दोगे, और इसी प्रोसेस को तो कहते हैं फीडबैक, है ना, फीडबैक करोगे। तो इसी बेसिस पे आपकी वोल्टेज की सैम्पलिंग
एंड देन वोल्टेज की ही मिक्सिंग कर रहे हो तो एक टाइप का बन सकता है, फिर वोल्टेज की सैम्पलिंग करके करंट की मिक्सिंग करोगे, फिर अगर करंट की सैम्पलिंग करके करंट की मिक्सिंग करोगे, फिर करंट की सैम्पलिंग करके करंट की ही मिक्सिंग करोगे। इस तरह से चार टॉपोलॉजी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि देयर कैन बी फोर पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट कनेक्शंस। ठीक है, सी दिस। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, आपको याद रहना चाहिए बात कि देयर आर फोर डिफरेंट, हम अब समझ चुके हैं कि फोर ही होना चाहिए, क्यों फोर होगा समझ में आ गया होगा। देयर आर फोर डिफरेंट टॉपोलॉजीज मुझे लिखना चाहिए, बट फिर भी नेवरदलेस समझ में आ रहा है। देयर आर फोर डिफरेंट टॉपोलॉजी बाई विच निगेटिव फीडबैक, कोई भी फीडबैक हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव के लिए ही है, निगेटिव फीडबैक कुड बी और कैन बी अकॉम्प्लिश्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। चार तरह के, देखिए मैंने यहाँ से बताया, एक बार आप वोल्टेज को लो, सैंपल करो और वोल्टेज को ही फिर आउट इनपुट साइड में जाके मिक्सिंग कर दो, मतलब वोल्टेज को ही लो। अगर मैं इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ, सी दिस डायग्राम, ये मेरा एम्पलीफायर है और यहाँ से आउटपुट से मुझे कुछ लेना है और फिर इनपुट में कुछ देना है, तो ठीक है वोल्टेज ले के वोल्टेज ही दे दूँ, वोल्टेज ले के करंट दे दूँ, दो पॉसिबिलिटी है, उसके बाद करंट लेके करंट ही दे दूँ या करंट लेके वोल्टेज दे दूँ, तो चार पॉसिबिलिटी है। तो देखिए इसके लिए हम ऐसा नाम दे, समझ में आ जाएगा आपको, वोल्टेज को मैंने सैंपल किया, वोल्टेज सैंपलिंग। देखिए मैं दो कलर में लिखता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बात, वोल्टेज सैंपलिंग एंड वोल्टेज मिक्सिंग। इसको आप इसलिए डिफरेंट कलर में लिख रहा हूँ क्योंकि आप समझने की कोशिश करिएगा, ये जो मिक्सिंग हो रही है वो इनपुट साइड में हो रही है, ठीक है, और ये जो सैम्पलिंग हो रही है, ये जो सैम्पलिंग हो रही है वो आउटपुट साइड से हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, और यही तो है फीडबैक, इसी का फीडबैक का कॉन्सेप्ट के चक्कर में नाम पड़ा है, समझ लीजिए। इनपुट साइड, ठीक है, आउटपुट साइड से पहले लेता है, देखिए पहले आउटपुट साइड में आप काम करते हो, फिर आप वही चीज़ इनपुट साइड में काम करते हो उसका, इसलिए नाम आपके आउटपुट साइड से शुरू होकर इनपुट साइड की तरफ ख़त्म होता है। तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं ऐसे नाम क्यों है, अभी नाम के ऊपर बहुत सारी कहानियां मैं बताने वाला हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस टाइप्स ऑफ ऑल द कॉम्प्लिकेशंस टुगेदर, मैं वन स्टेप बाय स्टेप नाम के बारे में समझाऊंगा। पहले समझिए, आपने आउटपुट साइड से वोल्टेज को सैंपल किया और इनपुट साइड में मिक्सिंग किया, इसलिए इसका नाम पड़ा है वोल्टेज सैंपलिंग वोल्टेज मिक्सिंग। ठीक है, वोल्टेज सैंपल किया, वोल्टेज को मिक्सिंग कर दिया। दूसरा नाम को आप पॉसिबल है, यहीं पर मैं डायग्राम बना सकता था लेकिन नाम पर हम फोकस करते हैं पहले, तो वोल्टेज सैंपलिंग वोल्टेज मिक्सिंग। दूसरा काम कर सकते हैं, फिर से मेरी मर्जी है, मैं वोल्टेज को ही सैंपल करूंगा, फिर से वोल्टेज की ही फिर से सैंपलिंग करूंगा, लेकिन इस बार मैं वोल्टेज की मिक्सिंग नहीं करूंगा, इस बार मैं करंट की मिक्सिंग कर दूंगा। आप सोच रहे हो कि कैसे, ये डिपेंड करता है नेटवर्क वेटवर्क का डिज़ाइन पे, वो नेटवर्क डिजाइनिंग पे हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि वोल्टेज को सैंपल करके वोल्टेज ही मिक्स कर दिया। इस बार वोल्टेज को सैंपल तो किया लेकिन इस बार करंट की मिक्सिंग की मैंने, ठीक है। हमेशा ये मेरा हमेशा आउटपुट है, ये मेरा हमेशा इनपुट है, आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन एंड अगेन दिस थिंग्स। ठीक है, ये मैं फिर से सेम कलर लेता हूं, अच्छा कोई बात नहीं। इस बार मैं तीन नंबर देखिएगा, इस बार मैं करंट की सैम्पलिंग करूंगा, दो बार दो करंट की सैम्पलिंग करूंगा और फिर वोल्टेज की मिक्सिंग करूंगा, तो करंट की सैम्पलिंग करूंगा इस बार, करंट की सैम्पलिंग करूंगा। ठीक है, चाहे लेट मी, मैं इनपुट आउटपुट के सेंस में कलर को यूज कर रहा हूं तो वही कलर यूज करते हैं, नॉट गेट कन्फ्यूज द कलर ऑफ माई पेन। ठीक है, टेक सेम कलर। ठीक है, अब देखिए तीन नंबर, इस बार मैं क्या करूँगा, करेंट की सैम्पलिंग करूँगा, करेंट सैम्पलिंग करूँगा और करेंट की सैम्पलिंग के बाद मैं, ठीक है एक मिनट कहाँ गया मेरा पेन, टेक मी दिस कलर, करेंट की सैम्पलिंग करके वोल्टेज की मिक्सिंग करूँगा, वोल्टेज की मिक्सिंग करूँगा और चौथा नंबर मेरा हो जाएगा, फिर से मैं चौथा नंबर विल बी फिर से करंट की मिक्सिंग, करंट की सैम्पलिंग करूंगा, करंट की सैम्पलिंग करूंगा और इस बार मैं करंट की ही मिक्सिंग कर दूंगा, फिर से करंट की मिक्सिंग कर दूंगा। ठीक है, तो व्हाट आई एम सैम्पलिंग, व्हाट आई एम मिक्सिंग फ्रॉम आउटपुट, व्हाट आई एम टेकिंग एट द इनपुट, व्हाट आई एम गिविंग और फीडिंग, बेसिकली फीडिंग बैक, क्या फीडिंग दे रहा हूं, ये चीज डिसाइड करेगा मेरा ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी। अब फर्स्ट नंबर की टॉपोलॉजी को देखिए डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ समझने को बच गया है क्योंकि एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड,
माई फर्स्ट इज मैं क्या करूँगा, आउटपुट साइड से वोल्टेज को सैम्पल करूँगा, मतलब लूँगा, कलेक्ट करूँगा, सैम्पलिंग करूँगा, और इनपुट साइड में मैं वोल्टेज ही मिक्स करूँगा, ठीक है, वोल्टेज ही मिक्स करूँगा। तो देखिएगा डायग्राम, सी द डायग्राम, पहले बेसिक डायग्राम बना दूँ व्हाइट कलर से। ये मैंने लिया एक एम्पलीफायर जिसका मेरा जो गेन होता है वो ए नोट होता है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम में इस तरह से बनाऊंगा। इस साइड मेरा वी इन होगा ऑब्वियसली, इस साइड मेरा वी आउट होगा, और यहाँ पे मेरा एक फीडबैक पाथ, फीडबैक नेटवर्क है मेरा यहाँ पे, जो एक फीडबैक फैक्टर बीटा देता है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ लूँगा, इधर से कुछ निकालूँगा। तो समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर मेरे को क्या करना, वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है, वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है। मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, ठीक है, जो सैम्पलिंग करूँगा। तो सैम्पलिंग वोल्टेज की कैसे हो सकती है, पैरेलल कनेक्शन से। तो पैरेलल कनेक्शन दूंगा और फीडबैक पाथ को दे दूंगा, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ से जो निकलेगा ऑब्वियसली वोल्टेज की ही मिक्सिंग करने वाला हूँ, तो यहाँ से जो निकलेगा वो वोल्टेज ही होगा ऑब्वियसली। वो वोल्टेज को मुझे मिक्स करना है, तो वोल्टेज की मिक्सिंग सीरीज में होती है, वोल्टेज सीरीज में ऐड होते हैं। तो ये देखिए सीरीज कनेक्शन है, देखिए ये सीरीज का कनेक्शन है। अगर नहीं आपको फिर से समझ में आ रहा, याद आ रहा, तो मैं आपके लिए लिखूंगा यहाँ पे। ये जो मैंने अभी कनेक्शन दिया है वो सीरीज का है, और यहाँ जो कनेक्शन मैंने दिया है वो एक तरह से पैरेलल है, और पैरेलल का एक और नाम है संट। तो मैं अब संट लिखूंगा, पैरेलल का अच्छा नाम और स्मार्ट नाम क्या है, संट। अब मुझे आप पता होगा, आई होप, कि पैरेलल को संट भी कहा जाता है, ठीक है, पैरेलल को क्या कहा जाता है, संट भी कहा जाता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए, पैरेलल को संट भी कहा जाता है। तो मैं पैरेलल को संट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वोल्टेज की सैम्पलिंग करने की कोशिश की, जैसे संट कनेक्शन दिया, यहाँ पे मैंने वोल्टेज को यहाँ पे ऐड या मिक्स करने की कोशिश की, इसलिए इसका नाम मैंने कर दिया क्या, सॉरी, कनेक्शन क्या दे दिया, सीरीज का कनेक्शन, ठीक है। अब देखिए एक छोटी मोटी चीज़ है, यहाँ से जो वी नोट है ऑब्वियसली वही वी नोट यहाँ भी आ रहा है, वी नोट ही आ रहा है, लेकिन इधर से जो निकलेगा वो तो वी नोट नहीं रहेगा, वो इसका बीटा फैक्टर बन जाएगा। तो जो फीडबैक वाला वोल्टेज यहाँ जाके अवेलेबल होगा इसके साथ वो ये रहेगा। तो एक रिलेशन यहाँ पे क्या बनता है, वी नॉट में जब बीटा का मल्टीप्लाई होता है तो बनता है आपका वी एफ, ठीक है। ये आपका बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए फिंगर टिप्स पे, कि इधर से ऑब्वियसली वी नॉट जो मिल रहा है यहाँ से वही तो सैंपल कर रहे हो, वी नॉट यहाँ जाएगा, लेकिन बीटा का तो मल्टीप्लाई होकर निकलेगा, सिंपल है। इसमें मुझे कुछ बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझाना और बताने वाली बात है जो याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में कन्फ्यूज ना हो, वो उसके लिए यहाँ पर जरूरी है, जो एग्जाम में कन्फ्यूज करता है बच्चों को। देखिए यहाँ पे मैंने नाम क्या रखा इस टॉपोलॉजी का, एक पे आप कंसंट्रेट कर दोगे तो सारे चारों क्लियर हो जाएंगे सिंपली। इस टॉपोलॉजी का नाम है वोल्टेज की यहाँ से सैम्पलिंग करना, समझना, आउटपुट साइड से इनपुट साइड का हमने एक नाम दिया है, आउटपुट साइड से इनपुट साइड की दिशा में इसका नाम दिया है वोल्टेज की सैम्पलिंग। इसके नाम को समझिए, इसका नाम है वोल्टेज की सैम्पलिंग और इधर में सीरीज का कनेक्शन। तो नाम इसका ऐसे भी रखा गया है, ये जो नाम है, जो नाम है वोल्टेज सैम्पलिंग वोल्टेज मिक्सिंग, ये जो नाम है वोल्टेज सैम्पलिंग और इसका नाम क्या है वोल्टेज मिक्सिंग, वोल्टेज ही सैंपल किया मैंने और वोल्टेज ही मिक्सिंग की मैंने, समझिएगा, ठीक है, ध्यान से, वोल्टेज की सैम्पलिंग की और वोल्टेज का ही मैंने इस, ये तो लंबा सा नाम है, इसका एक शॉर्टकट नाम रखा गया है, जो एक नाम है नेम नंबर वन, एक सा पहला नाम बनता है वोल्टेज की सैम्पलिंग की, इसलिए इसका नाम शॉर्ट में रहा। हमको पता है कि हम सैम्पल ही कर रहे हैं, हमको सैम्पलिंग वर्ड बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा हम आउटपुट से इनपुट की दिशा में नाम को रखते हैं। तो आउटपुट से इनपुट की दिशा में अगर हम चले तो वोल्टेज और मिक्सिंग कैसे किया जाता, हमेशा, ठीक है, सॉरी, मिक्सिंग हमेशा करने की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप सीरीज का कनेक्शन दोगे यानी कि वोल्टेज की ही मिक्सिंग होगी। देखिए वोल्टेज की मिक्सिंग जो आप कर रहे हो इसके लिए आप सीरीज का कनेक्शन दे रहे हो, है ना, इसका इसका यह भी मतलब है कि सीरीज का कनेक्शन दोगे तो वोल्टेज की मिक्सिंग ही होगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अगर आप सीरीज का कनेक्शन इनपुट साइड में दोगे तो वो वोल्टेज की ही मिक्सिंग करेगा, कुछ और मिक्सिंग नहीं करेगा वो। अल्टरनेटली इफ यू वॉन्ट टू राइट वोल्टेज मिक्सिंग देन इट मीन्स इट इज सीरीज कनेक्शन, एंड इफ समबडी सेज कि इट इज सीरीज कनेक्शन इट सिंपली मीन्स इट इज वोल्टेज मिक्सिंग। सो इसीलिए इस नाम को ऐसे भी लिखा जाता है वोल्टेज सीरीज कनेक्शन या वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो अगर आपके सामने ये नाम लिखा हो तो अब आपको स्मार्टली समझ लेना है, इसको कहते हैं वोल्टेज सीरीज फीडबैक। अब नाम है इसी तरह से रखूंगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक, इसका मतलब कि मैं आउटपुट साइड से वोल्टेज लिया और इनपुट में सीरीज से कनेक्ट कर दिया। इनपुट साइड में सीरीज से कनेक्ट करने का मतलब यह कि मैंने वोल्टेज की मिक्सिंग की है, क्योंकि इनपुट साइड में वोल्टेज
तभी मिक्स होगा जब सीरीज में कनेक्शन होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक, एंड दिस इज हाउ वोल्टेज सीरीज फीडबैक लुक्स। द कहानी अभी भी खत्म नहीं होती है। दो नंबर बात सुनिएगा, ये तो आउटपुट से इनपुट की दिशा में नाम रखा गया, लेकिन कुछ किताबों में, कुछ एग्जामिनेशंस में इनपुट साइड से आउटपुट साइड के दिशा में भी नाम रखने में इंटरेस्टेड है। इनपुट साइड से आउटपुट, ये बच्चों के दिमागी कसरत के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें की जा रही हैं। तो समझिएगा, ध्यान से समझिए, इनपुट साइड में क्या कनेक्शन दिया, क्या कनेक्शन दिया, बस वही है काफ़ी। सीरीज, आउटपुट साइड में क्या कनेक्शन दिया, संट, तो इसका नाम रख दिया सीरीज संट फीडबैक। अगर कहीं लिखा है कि सीरीज संट फीडबैक है, सीरीज संट फीडबैक है, इसका मतलब ये कि इनपुट साइड में सीरीज कनेक्शन है और आउटपुट साइड में संट कनेक्शन है, ठीक, इसका ये मतलब है। अब सीरीज मतलब इनपुट साइड में सीरीज है, मतलब वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, और आउटपुट साइड में संट मतलब वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है। अब देखिए, आप समझने के लिए मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए, देखिए ये डायग्राम बनाया मैंने, आप दोनों कनेक्शन के टाइप, ये भी कनेक्शन का टाइप बता रहा, ये भी कनेक्शन का टाइप बता रहा, यानी सीरीज की पैरेलल, सीरीज की पैरेलल, तो यानी कि ये इनपुट टू आउटपुट साइड का नोमेनक्लेचर है। तो इनपुट साइड में आप सीरीज कनेक्शन दे दीजिएगा, ये हो गया इनपुट साइड में सीरीज कनेक्शन, और आउटपुट साइड में संट कनेक्शन, ये हो गया आपका आउटपुट साइड में संट कनेक्शन, और यहाँ पे आपका बीटा फैक्टर कनेक्ट हो जाएगा ऐसे करके। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है, सॉरी वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है, और यहाँ वोल्टेज की मिक्सिंग हो रही है। कनेक्शन के बेसिस पे हम समझ जाते हैं। और यहाँ ये जो नाम रखा गया वोल्टेज सीरीज, इसका मतलब वोल्टेज, मतलब व्हाट आर यू सैम्पलिंग, व्हाट एलिमेंट आर यू, व्हाट कॉम्पोनेंट आर यू, व्हाट यू नो सिग्नल आर यू सैम्पलिंग, वोल्टेज, उसके बेसिस पे नोमेनक्लेचर है। तो आउटपुट से इनपुट की तरफ होगा, और कनेक्शन के टाइप के हिसाब से नोमेनक्लेचर, तो दो नंबर इनपुट से आउटपुट की तरफ होगा। अब मैं अगले जो नामकरण रखूंगा इसी कैटेगरी पर रखूंगा। ये जो नामकरण के ऊपर इतना डिस्क्रिप्शन, इतना डिस्कशन जो कर रहा हूँ, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। यही बस बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सब कुछ उनको समझ में आ रहा है, सब पता है, डायग्राम याद है, डेरिवेशंस याद है, फॉर्मूला याद है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बना रहे, लेकिन नाम में कन्फ्यूज हो जा रहे कि नाम से क्या मतलब निकलता है, इस नाम से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, बिकॉज समझने वाली चीज टाइप कुछ है यहां पे। क्योंकि वोल्टेज लिखा है और सीरीज लिखा है, इसका मतलब कि ये आउटपुट से इनपुट की दिशा में नामकरण रखा किया गया है, लेकिन दोनों में कुछ कुछ टाइप ऑफ कनेक्शन रखा गया, यानी ये सीरीज संट संट सीरीज 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 संट संट ऐसा रखा है, यानी कि वो टाइप ऑफ कनेक्शन के बेसिस पर रख रहा, मतलब वो इनपुट से आउटपुट की दिशा में नाम रखा है। अब और एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारा जो टाइप है उस पे चलते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। आई एम गिविंग टू मच ऑफ टाइम हेयर। दूसरा मेरा क्या था, सिंपल करते हैं चीज़ों को, वोल्टेज को ही सैंपल करूंगा, लेकिन इस बार करंट की मिक्सिंग करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो वोल्टेज को ही सैंपल करूंगा, वोल्टेज की सैंपलिंग करूंगा, लेकिन इस बार करंट की मिक्सिंग करूंगा मैं, ठीक है, करंट की मिक्सिंग करूंगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ बता दूँ, साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ बता दूँ आपको इस डायग्राम को, पहला वाला जो वोल्टेज सैम्पलिंग एंड वोल्टेज मिक्सिंग, जिसमें कि यहाँ सीरीज कनेक्शन हो रहा और यहाँ संट कनेक्शन हो रहा, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से, बहुत इजी से, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था कि यहाँ पे संट यानी पैरेलल कनेक्शन हो रहा। पैरेलल में क्या होता है, आपका इंपेडेंस पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जेड आउटपुट, यानी कि आउटपुट इंपेडेंस, और यहाँ पे इन साइड में क्या होगा, आपका जेड इन होगा। तो ऑब्वियसली आपका पैरेलल कनेक्शन हो रहा, यानी कि घट रहा इंपेडेंस, और सीरीज कनेक्शन मतलब बढ़ रहा है। पैरेलल का और सीरीज का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पैरेलल में रेजिस्टेंस ओवरऑल घट जाता है और सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जेड इन मेरा बढ़ जाएगा, तो जेड इन बढ़ के कितना हो जाएगा, जेड इन जो होगा ऑब्वियसली ये जो ए, सॉरी वही है जो सेंसिटिविटी वाला फैक्टर जो है आपका 1+ A β बढ़ जाएगा, है ना, ये जो आपका 1+ A0 β टाइम्स बढ़ जाएगा, ये बीटा है, ठीक, बीटा इसी से दिख रहा, और यहाँ पे आपका जेड घटेगा, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1+ A0 β से। तो आपके इनपुट इम्पिडेंस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, आपके आउटपुट इम्पिडेंस पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, और ये एक और ये चीज़, दो तीन चीज़ें आप नोट कर लें और नाम पे जरूर ध्यान दें आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, वोल्टेज सैम्पलिंग एंड करंट मिक्सिंग। दिस इज माई एम्पलीफायर ऑफ ओपन लूप गेन, ये, और मैं एक बीटा फैक्टर का नेटवर्क लगाने वाला हूँ यहाँ पे, फीडबैक नेटवर्क, जिसका मेरा एक फीडबैक फैक्टर इतना होगा, ये हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैं इन दूंगा, यहाँ से मैं आउटपुट दूंगा। अच्छा, लेना क्या है मुझे, वोल्टेज की सैम्पलिंग करनी है, तो
तो वोल्टेज की सैम्पलिंग कर ली है तो ऑब्वियसली मैं कनेक्शन कैसे दूंगा, पैरेलल कनेक्शन दूंगा, ठीक है। ये मेरा आउटपुट इधर भी जाएगा और वही सेम आउटपुट इधर भी आएगा, इधर भी मेरा आउटपुट वी आउट ही आ जाएगा। लेकिन याद रखिए इस बार करंट की मिक्सिंग करनी है। करंट कैसे ऐड होते हैं, करंट जब पैरेलल कनेक्शन देते हैं तब ऐड होते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन इधर भी दूंगा। देखिए इधर भी पैरेलल कनेक्शन दे दिया, इधर भी पैरेलल कनेक्शन दे दिया, ठीक है। अब देखिए समझ लिए बात को, जब मैं यहाँ पैरेलल कनेक्शन दिया तो मेरा वोल्टेज कलेक्ट हुआ है, वोल्टेज की सैम्पलिंग हुई है। लेकिन यहाँ पैरेलल कनेक्शन देके मैं क्या कर रहा हूँ, करंट की मिक्सिंग कर रहा हूँ, क्योंकि करंट मिक्स करना है, करंट ऐड करना है, तो पैरेलल में कनेक्शन देना होगा। तो यहाँ से वोल्टेज आएगा, लेकिन आगे जाके क्या कर मिक्सिंग कर रहा हूँ मैं, करंट, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा आई एफ, ठीक है। यानी कि मेरा आई एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरा कुछ बीटा ऐसा होगा कि ये बना देगा, समझिए इस बात को। तो ये तो एक नोट कर लिया आपने कि इधर से मेरा आया वोल्टेज, बट इधर जाके मिक्सिंग क्या हो रहा, करंट। तो वोल्टेज की सैम्पलिंग हो रही है लेकिन करंट की मिक्सिंग हो रही है। कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं नाम पे ध्यान देने जा रहा हूँ। देखिए ये मेरा कैसा कनेक्शन है, ये भी मेरा संट कनेक्शन है, ठीक है, और ऑब्वियसली ये भी मेरा संट कनेक्शन है। तो इसको संट टू संट, इनपुट से आउटपुट साइड की दिशा में अगर मैं नाम रखना चाहूँ तो संट संट कनेक्शन भी इसका नाम रख सकता हूँ। तो इसका एक नाम तो ये भी हो सकता है संट संट फीडबैक, संट संट फीडबैक, किस बेसिस पे, इनपुट टू आउटपुट के डायरेक्शन के बेसिस पे। और दूसरा नाम अगर मैं इसको और एक रखना चाहूँ तो मैंने क्या लिया, यहाँ से वोल्टेज लिया और फिर इधर संट कनेक्शन कर दिया। तो एक नाम इसका भी हो सकता है वोल्टेज संट फीडबैक, वोल्टेज संट फीडबैक। लेकिन याद रखिए ये मेरे आउटपुट से इनपुट के दिशा में नाम रहे, नाम है, समझिए इस बात को। आउटपुट से इनपुट की दिशा में कौन सा नाम है, क्या सैंपल कर रहे हैं और किस तरह से कनेक्शन दे रहे हैं, उस बेसिस पे है। लेकिन इनपुट से आउटपुट की दिशा में नाम कैसे दिया जा रहा, कैसे कैसे कनेक्शन दिए हो, वो सिंपली वो डायरेक्ट। तो यही अंतर है, ये आपको बोला नहीं रहेगा कि इनपुट टू आउटपुट नाम है कि आउटपुट टू इनपुट नाम, को समझ लेना है। अगर लिखा संट संट यानी ये इनपुट टू आउटपुट के डायरेक्शन में नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे क्या असर पड़ेगा मेरे इम्पिडेंसेस पे, तो देख लेते हैं सिंपली। यहाँ पे इम्पिडेंसेस पे कुछ डिफरेंट असर पड़ने वाला है, लेट मी टेक कलर व्हाइट। यहाँ पे मेरा जेड नॉट आउट होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे जेड इन होगा। देखिए इधर भी पैरेलल कनेक्शन, इधर भी पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन हमेशा रिड्यूस कर देता है चीज़ों को। यानी यहाँ पे भी मेरा सॉरी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा, मेरे इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस दोनों घट जाएंगे, ठीक है। बोथ माई इनपुट एंड आउटपुट इम्पिडेंस विल रिड्यूस, ये भी डिवाइड होके वन, ठीक है, इतना बन जाएगा ए नोट है यहाँ पे, और ये भी डिवाइड होके वन प्लस ए नोट बीटा बन जाएगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि मेरा जो इम्पिडेंसेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस पर कोई बड़ा चर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि संट कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन घटेगा, संट कनेक्शन पैरेलल घटेगा, सिंपल। तीसरा चलते हैं जल्दी से, तीसरा मेरा टाइप क्या था, अब मैं करंट को सैंपल करने वाला हूँ, ठीक है। करंट की सैंपलिंग करूँगा, मतलब करंट लूँगा, करंट की यहाँ करूँगा सैंपलिंग। और पहला मैं, मेरी मर्जी है, मैं वोल्टेज को पहले मिक्स कर लेता हूँ, चलिए वोल्टेज की मिक्सिंग कर लेता हूँ। तो डायग्राम में अगर हम चले, ये मेरा ब्लॉक डायग्राम हो गया सिंपल सा, जिसका गेन मेरा ओपन लूप ए नोट है। फीडबैक का एक नेटवर्क लगाऊंगा इसके नीचे बीटा, यहाँ से मैं आउटपुट लूँगा, यहाँ से मैं इनपुट दूंगा वी इन, यहाँ वी आउट। क्या लेना है मुझे, करंट को सैंपल करना है। समझ लीजिए करंट की सैंपलिंग सीरीज में होती है, करंट को आप सैंपल कर सकते हो सीरीज में। तो सीरीज का कनेक्शन कुछ कैसा होता है, ऐसा होता है, यहाँ से मैं कनेक्शन लूँगा तो ये सीरीज का कनेक्शन कहलाएगा, दिस इज सीरीज कनेक्शन, क्योंकि जो करंट यहाँ से गुजरेगा इधर से भी होकर गुजरेगा, इसलिए सीरीज का कनेक्शन में करंट की सैम्पलिंग तो मैंने कर दी और इसको फीडबैक नेटवर्क से जोड़ दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ से क्या निकलेगा, मेरा आई नोट आएगा, क्योंकि मैं करंट को सैंपल कर रहा हूँ ना, भले मेरा आउटपुट वोल्टेज वी नोट होगा लेकिन सैंपलिंग तो मैं करंट की कर रहा हूँ। तो इधर से मैं क्या ले रहा हूँ, बेसिकली करंट ले रहा हूँ, और इधर मैं क्या दे रहा हूँ, वोल्टेज की मिक्सिंग, यानी कि वोल्टेज की मिक्सिंग, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज निकलेगा फीडबैक वाला वोल्टेज। और आगे जाके वोल्टेज की मिक्सिंग कैसे होती है, वोल्टेज को अगर आप जोड़ना चाहते हो, वोल्टेज को ऐड करना चाहते हो, वो भी सीरीज में ही होगा, वो भी सीरीज में आपको देना पड़ेगा। तो ये सीरीज कनेक्शन करने के लिए मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और अच्छा सुंदर दिखने के लिए ऐसे ड्रॉ करूँगा। और यहाँ जाके, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस ब्यूटीफुली क्लीन एंड क्लियर थोड़ा किया जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैंने लिया आउटपुट को और आगे जाके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से मैं, यहाँ भी सीरीज कनेक्शन है, यहाँ भी सीरीज कनेक्शन है, बट अंतर क्या है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन करने पे आप सैम्पलिंग कर रहे हो इसलिए करंट सैंपल हो रहा है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन देकर आप मिक्सिंग कर रहे हो इसलिए वोल्टेज सैंपल हो रहा है।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये भी सीरीज का कनेक्शन है और ये भी सीरीज का कनेक्शन है, आउटपुट साइड में भी सीरीज कनेक्शन है, इनपुट साइड में भी सीरीज कनेक्शन है, बट अंतर क्या है, यहाँ से करंट सैंपल हो रहा है, इधर से वोल्टेज मिक्स हो रहा है, तो इसका एक नाम तो क्या बनता है, पहले ये वाला नाम लेते हैं सैंपलिंग, आपने क्या किया करंट, तो लिखोगे इसको करंट, मतलब क्या आप क्वांटिटी ले रहे हो, क्या वैल्यू ले रहे हो, क्या फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हो वो चीज़, और क्या टाइप ऑफ कनेक्शन है वो चीज़, ये पहला नाम है, ये आपका आउटपुट साइड से इनपुट साइड वाला नाम है। इस टाइप की फीडबैक आपने यहाँ पे की है, समझिएगा किस किस टाइप की फीडबैक की आपने, करंट को लेके सीरीज से कनेक्ट कर दिया, करंट को लेके, ठीक है, प्लीज डायग्राम को जरूर समझे, करंट यहाँ से लिया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया, करंट यहाँ से लिया और सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मतलब आउटपुट से इनपुट की दिशा वाला नाम है, आउटपुट से इनपुट की दिशा, ठीक है, आउटपुट से इनपुट की दिशा, समझ लीजिए। अब देखिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, यहीं लिख दूंगा डायग्राम के सामने ही, मैं दूसरा नाम लिखने जा रहा हूँ, दूसरा नाम इसका ये होगा इनपुट से आउटपुट साइड में, इनपुट से आउटपुट साइड में अगर बात करें तो सीरीज सीरीज इसका नाम होगा, सिंपली सीरीज सीरीज कनेक्शन, कोई कहे सीरीज सीरीज कनेक्शन, यानी इनपुट साइड में भी सीरीज आउटपुट साइड में भी सीरीज लगा दो। अब देखो कि इधर सीरीज लगाने से क्या हो रहा है, इधर सीरीज में लगाने से मतलब आउटपुट साइड में सीरीज लगाने से क्या हो रहा है, करंट की सैंपलिंग हो रही है, तो उसका नाम रख दो करंट सीरीज, आउटपुट से इनपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए और लास्ट कनेक्शन, ठीक है, अच्छा सब कुछ हो गया एक बार, हाँ इस पर बात कर ले, इधर भी सीरीज कनेक्शन दे रहे हो, 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 मतलब इधर का भी इनपुट आपका बढ़ेगा, वन प्लस इनपुट इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगा ए बीटा, और इधर में जो आपका आउटपुट इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा, सीरीज कनेक्शन मतलब बढ़ जाएगा, सिंपल, इस पर क्या चर्चा करूँ मैं, इधर ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे हाँ इसका रिलेशन बता दूँ, वोल्टेज फीडबैक में ले, एक्चुअली आपका फीडबैक वाला क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज, जो कि बीटा से आई जीरो को मल्टीप्लाई करके प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इधर से आई नोट आया, इधर से वी एफ गया, सिंपल, आई नोट वी एफ बीटा, सिंपल है। चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में भी क्या करूंगा मैं, करंट की ही सैंपलिंग करूंगा, करंट की सैंपलिंग करूंगा, करंट की सैंपलिंग करूंगा, और इस बार अभी तक मैंने करंट की मिक्सिंग नहीं की थी ना, तो अब मैं करंट की मिक्सिंग करूंगा, करंट की मिक्सिंग करूंगा, देखिएगा करंट की मिक्सिंग करूंगा, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्या करना है, फिर भी ब्लॉक डायग्राम प्रैक्टिस के पर्पज से बनाएंगे, ए नोट लिखेंगे, यहाँ पे बीटा बनाएंगे, इधर ले लिया, इधर ले लिया, ठीक, सिंपली इधर इनपुट है आउटपुट है, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको करंट को सैंपल करना है, यू वांट टू टेक करंट, यहाँ भी आपने करंट की ही सैंपलिंग की थी तो सीरीज में कनेक्ट किया था, तो ऑब्वियसली यहाँ भी आप सीरीज में कनेक्शन दोगे, सीरीज में कनेक्शन देकर ही करंट की सैंपलिंग की जा सकती है, सीरीज में कनेक्शन देकर ही करंट की सैंपलिंग की जा सकती है, तो ये मेरा सीरीज कनेक्शन है, माइंड इट, दिस इज माई सीरीज कनेक्शन, यहाँ से मैंने लिया और मेरी हो गई करंट की सैंपलिंग, करंट की सैंपलिंग तो मेरी अच्छी हो गई। अब करंट को मिक्स करना चाहता हूँ, करंट को अगर मिक्स करना चाहते हो, करंट को ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पैरेलल में देना पड़ेगा इसको, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, माइंड इट, दिस इज पैरेलल कनेक्शन या संट कनेक्शन, तो अगर मैं कनेक्शन की टाइप को मार्किंग करूँ तो ये मेरा संट का टाइप है और ये मेरा सीरीज का टाइप है, ठीक है, तो इधर से आप बेसिकली ले क्या रहे हो, करंट ही ले रहे हो, और इधर से आप दे क्या रहे हो, करंट ही दे रहे हो, है ना, तो आपका आई एफ की जो वैल्यू होगी वो बीटा इंटू आई नोट होगी। अब देखिए, अब नाम नाम पे ध्यान दीजिए, एक नंबर नाम, पहला नंबर नाम हम रखते हैं, मिक्सिंग क्या किया मैंने, मत सॉरी सैम्पलिंग क्या किया, कलेक्ट क्या किया, कौन सा फिजिकल पैरामीटर, करंट को लिया, तो इसका नाम रख देंगे करंट, और इनपुट साइड में संट कर दिया, तो इसका नाम हो गया करंट संट फीडबैक, करंट संट फीडबैक, करंट संट, यहाँ से करंट लिया, यहाँ संटिंग कर दिया, आउटपुट साइड से लेके इनपुट साइड की दिशा वाला नाम है। अब देखिए सिंपल नाम, संट सीरीज, संट सीरीज टॉपोलॉजी, संट सीरीज फीडबैक, फीडबैक टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी इनपुट से आउटपुट की दिशा वाला नाम है, इनपुट से आउटपुट की दिशा में जाने वाला नाम है। तो ये नाम पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, नाम पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये भी आप समझ लीजिए साथ साथ में, छोटा सा चीज़ है, और एक इसके इनपुट इम्पिडेंस पे और आउटपुट इम्पिडेंस में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा, जेड इन इसका इनपुट इम्पिडेंस था, पैरेलल कनेक्शन दिया आपने इधर, इनपुट साइड में आपने संटिंग की है, यानी ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा किससे, वन प्लस ए नोट बीटा से, सिंपल, इसमें बड़ी बात क्या है, और इधर आपने सीरीज कनेक्शन दिया, ये बढ़ेगा, जेड आउट आपका बढ़ेगा,
इतना हो जाएगा, ठीक है। तो जेड इन आपका घटेगा, जेड आउट आपका बढ़ेगा, जेड इन आपका घटेगा, जेड आउट का बढ़ेगा। तो समरी आपको समझ में आ गई, और इसलिए इस समरी के हिसाब से जो आपके चार टोपोलॉजी के नाम होते हैं वो ये भी नाम होते हैं। पहला जो नाम रखूंगा वो आउटपुट में आप क्या क्वांटिटी ले रहे हो और इनपुट में आप क्या क्या कनेक्शन दे रहे हो। इसमें क्वांटिटी देखिए, मैं समझिएगा इस बात को, दोस्त चिल्ड्रन जिसको अभी भी कन्फ्यूजन हो उसके लिए ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या क्वांटिटी आप, ठीक है, सॉरी मेरा स्पेलिंग मिस्टेक में बहुत करता हूँ, इरेज किया मैंने। आउटपुट से इनपुट का जो नाम है, आउटपुट से जो इनपुट का नाम है वो फिजिकल क्वांटिटी आप क्या सैंपल कर रहे हो उसके, और इधर में क्या टाइप का कनेक्शन दे रहे हो उसके बेसिस पे नाम किया जाता है। और ये जो नाम है, ठीक है, इस साइड वाला जो नाम है वो इनपुट से आउटपुट के डायरेक्शन में जो नाम रखा जाता है वो नाम सिर्फ कनेक्शन के टाइप के आधार पर रखा जाता है। कनेक्शन टू कनेक्शन मतलब इधर कनेक्शन कैसा है, इधर कनेक्शन कैसा है। तो समझ जाइएगा कि दोनों कनेक्शन कनेक्शन का हिसाब है, यानी कि इनपुट से आउटपुट साइड की दिशा में देखना है, एक क्वांटिटी और एक कनेक्शन है, तो इसका मतलब आउटपुट से इनपुट के दिशा में है। तो इस तरह से जो मेरे नाम हो जाएंगे वो हो जाएंगे, पहला नाम देखिए क्वांटिटी के बेसिस पे मेरा हो जाएगा, वोल्टेज लिया मैंने और मैं उधर जाके संट कर दिया, ठीक है। दूसरा वोल्टेज लिया लेकिन उधर जाके सीरीज कर दिया, ठीक है। तीसरा देखिए करंट लिया आउटपुट से सैंपल किया, ये क्वांटिटी है सारे, और उधर जाके फिर संट कर दिया, ठीक है। चौथा करंट ही लिया लेकिन उधर जाके मैंने सीरीज कर दिया। तो अब देखिए मेरे ये वाले नाम क्या हो जाने चाहिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वोल्टेज देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं कि इधर कनेक्शन मैंने संट दिया है, कनेक्शन मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने सॉरी। देखिए इसी तरह की गलतियां हम करते हैं हमें जानते हुए भी, ठीक है। अब पहले यहाँ समझा दूँ आपको एक बात, देखिए समझिएगा इस बात को कि ये जो संट है सीरीज है, संट है सीरीज है, ये जो मेरा कनेक्शन है ऑब्वियसली इनपुट साइड का है, ध्यान से देखिए इनपुट साइड वाला है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा इनपुट साइड में ये संट बन जाएगा, दो नंबर में ये सीरीज बन जाएगा, तीन नंबर ये संट बन जाएगा, ये सॉरी सीरीज बन जाएगा, है ना। ऑब्वियसली ये संट है इसलिए ये संट है, ये सीरीज है इसलिए ये सीरीज है, ये संट है इसलिए ये संट है, ये सीरीज है इसलिए सीरीज है, क्योंकि ये क्या है इनपुट साइड वाले कनेक्शन टाइप है। तो ये भी तो मेरा इनपुट साइड वाला कनेक्शन टाइप का नाम लिखना था मुझे। अब देखिए आउटपुट साइड में मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, आउटपुट साइड में मैं वोल्टेज लेना चाहता हूँ तो मेरा कनेक्शन क्या होगा, वोल्टेज में कैसे सैंपल कर सकता हूँ, वोल्टेज में पैरेलल में सैंपल कर सकता हूँ इसलिए संट लिखूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या क्या सैंपल करना, अगेन वोल्टेज ही सैंपल करना है आउटपुट से, तो फिर मुझे संट ही करना पड़ेगा। अब देखिए मुझे आउटपुट से क्या सैंपल करना, करंट, करंट जो है वो सीरीज में सैंपल होती है तो करंट मुझे सीरीज में सैंपल करना पड़ेगा, और करंट फिर से सैंपल करना है तो फिर से मुझे सीरीज में सैंपल करना पड़ेगा। तो ये समझने की कोशिश करिए नाम का क्या हिसाब किताब है, क्वांटिटी के पहले लिखा हो और फिर कनेक्शन का टाइप लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि आउटपुट से इनपुट की दिशा में नाम रखा गया है। तो इस तरह के नाम बनेंगे आपके। और अगर दोनों कनेक्शन कनेक्शन का नाम लिखा हो, जैसे कि सीरीज संट, संट सीरीज, सीरीज संट संट, तो इसका मतलब इनपुट से आउटपुट की दिशा में नाम रखा गया है। तो इस तरह के नाम पैदा होंगे। तो नामों के ऊपर एग्जामिनर्स आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे, नाम में कुछ नहीं रखा है, स्टिल आपका इंटेलिजेंस इसे टेस्ट अच्छा हो जाता है, दैट्स वाई नाम की चर्चा यहाँ पे होती है। आई होप आपको ये क्लास काफी यूजफुल रहा होगा। अगले क्लास में देखने की कोशिश करेंगे कि एक सर्किट डिजाइन आपके पास है तो कैसे पहचाना जाए कि वो किस टाइप का टॉपिक